अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो डेजर्ट। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स या तो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट पोर्टल्स पर होते हैं या फिर सेफ एग्जाम ब्राउजर में होते हैं। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से नावाकिफ होते हैं कि सेफ एग्जाम ब्राउजर को कैसे डाउनलोड किया जाए और कैसे इंस्टॉल करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसमें लॉग इन किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेफ एग्जाम ब्राउजर को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे अपने कंप्यूटर पर इसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पर टाइप करना है इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एग्जाम GCUF। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जाम। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने GCUF की वेबसाइट आ जाएगी। ले नाज़रीन ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है और इसके पेज पे देखें लिखा है सेफ एग्जाम ब्राउजर 2.4.1 फॉर विंडोज। और दोस्तों मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से डायरेक्ट सेफ एग्जाम ब्राउजर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जस्ट वन क्लिक के ऊपर न्यू वेबसाइट ओपन होगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खुद ही आपका सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉलर डाउनलोड होने लग जाएगा। अगर ये ऑप्शन आए तो इस पे आप कीप पे क्लिक करेंगे। कीप पे क्लिक करने के बाद आपका सेफ एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने इधर से इसकी एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अब इधर डाउनलोड एग्जाम फाइल लिखा हुआ है, अब इधर से आप एग्जाम फाइल डाउनलोड करेंगे। ये फाइल कुछ KB में होती है और ये जो है मेजर एक्सटेंशन होती है फाइल की, इसके थ्रू ही सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन होगा। अगर तो आप एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप ये वाली फाइल डाउनलोड करेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप ऊपर वाली फाइल डाउनलोड करेंगे। तो फिलहाल इधर से मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये 3.1 KB की फाइल है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप माय कंप्यूटर में जाएंगे और इधर से डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हुई पड़ी है। अब ये हमारे पास सेफ एग्जाम ब्राउजर की फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है जो कि तकरीबन 64.6 MB की है, और ये हमारे पास उसकी एक्सटेंशन फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेफ एग्जाम ब्राउजर वाली इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करेंगे। इस पे डबल क्लिक करने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, रन का ऑप्शन आएगा, इधर से आप रन कर दें। अगर आपके पास विंडोज 8 या विंडोज 10 है तो आपके पास यस और नो का ऑप्शन आएगा, तो आप यस कर सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल का एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। सेफ एग्जाम ब्राउजर की इंस्टॉलेशन कुछ वक्त लेगी। अब ये न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, इधर से हम नेक्स्ट करेंगे, देन आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम सेफ एग्जाम ब्राउजर को इंस्टॉल कर देंगे। अब सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉलिंग में कुछ वक्त लेगा, थोड़ी देर के बाद हमारा सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ले नाज़रीन, हमारे पास सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल हो चुका है, अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। याद रहे जो हमने एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड की है उसके ऊपर ये वाला आइकन ब्लैक एंड व्हाइट आना चाहिए। अगर ये वाला आइकन आपके पास नहीं आ रहा, इधर MS Word या MS Excel या फिर कोई भी PDF वाली कोई भी फाइल का आइकन इधर आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद पे जाना है, एंड ओपन विद में जाकर इधर से ब्राउज करेंगे, सी पार्टीशन में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और इधर आपके पास एक फोल्डर होगा सेफ एग्जाम ब्राउजर का। अब इधर आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे और ये सेफ एग्जाम ब्राउजर वाली फाइल पे क्लिक करके ओपन कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपकी फाइल पे ये वाला आइकन आ जाएगा। अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका GCUF का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, उस फाइल पे डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास ये वाली विंडो सामने आएगी, तो आपने इधर से नो करना है। नो करने के बाद आपके पास इधर आ रहा है कि प्लीज डाउनलोड न्यू एग्जाम फाइल फॉर न्यू एग्जाम। अब आप दिए गए इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास GCUF का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये देखें नाजरीन,
हमारे पास GCUF का पोर्टल ओपन हो चुका है फॉर एफिलियेटेड कॉलेजेस ऑनलाइन एग्जाम। अब पिछले ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या था, हमारे पास इधर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड था और हमारा CNIC नंबर रिक्वायर्ड था, लेकिन इस बार इन्होंने पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया है, तो ये वाला पासवर्ड हमें अपने इंस्टीट्यूट, अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से मिलेगा। तो यहाँ हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखें, मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, इधर रोल नंबर लिखें। नाजरीन याद रहे, जिस तरह उन्होंने हर बॉक्स में डैशेस दिखाई हुई हैं, उसी तरह ही आपने रोल नंबर या CNIC एंटर करते वक्त डैशेस करनी है। लॉगिन के बाद आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपने कोर्स की इनरोलमेंट कर सकते हैं कि जिस भी डेट को आपका जो भी एग्जाम है वो आप इधर से इनरोल कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर सकते हैं। फिर जो सब्जेक्ट आपने इनरोल किया होगा उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी और डेट भी आ जाएगी कि इस डेट को आपका ये वाला एग्जाम हो, तो उसी डेट को आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एग्जाम देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स पे होगा, यहाँ पे होगा या वहाँ पे होगा, लेकिन बेसिक बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल्स पर हुए हैं उनके एग्जाम्स मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स पर हुए हैं, लेकिन जो अफिलियेटेड कॉलेजेस हैं उनके एग्जाम सेफ एग्जाम ब्राउजर पर ही होंगे, लेकिन उन्होंने सेफ एग्जाम ब्राउजर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। सेफ एग्जाम ब्राउजर में अपना पोर्टल ओपन करने के लिए पासवर्ड भी एंटर करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, सेफ एग्जाम ब्राउजर को डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो डेजर्ट को विजिट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।